हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है? तो मानव शरीर में आहार ग्रहण करने के पश्चात विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रिया होती है और उपापचय क्रिया के परिणाम स्वरूप हानिकारक और विषैले पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जी तंत्र के माध्यम से निकाला जाता है। उन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं और यह जिस तंत्र के माध्यम से किया जाता है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है वृक्क। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं जो कि गैसीय माध्यम में होते हैं या फिर द्रव माध्यम में होते हैं या फिर ठोस माध्यम में होते हैं। तो इन सभी उत्सर्जी पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें शरीर के द्वारा समय समय पर बाहर निकाला जाता है। हमारे इस वीडियो का प्रमुख केंद्र बिंदु वृक्क रहेगा जो कि एक द्रव उत्सर्जी तंत्र है। इसकी सहायता के लिए अन्य उत्सर्जी अंग होते हैं जैसे त्वचा, यकृत, फेफड़ा और आंत। आंत के माध्यम से हमारे शरीर के ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है जबकि फेफड़े के माध्यम से गैसीय उत्सर्जी पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर उत्सर्जन किया जाता है। यकृत एक प्रमुख सहायक उत्सर्जी अंग है जो कि वृक्क की सहायता करता है। हमारे भोज्य पदार्थों के द्वारा निर्मित अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। हमारे शरीर के अतिरिक्त जल की मात्रा या लवण को हमारे त्वचा के माध्यम से शरीर से बाहर करता है। अब हम मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र की संरचना देख लेते हैं। इसमें एक जोड़ी वृक्क होता है, आप देख सकते हैं ये है दायां वृक्क और ये है बायां वृक्क। इसमें एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, आप देख सकते हैं मूत्रवाहिनी। इसमें एक जोड़ी मूत्रवाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है, ये है मूत्राशय, और अंत में होता है मूत्रमार्ग जिसके माध्यम से मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसमें वृक्क सीरा होता है। सीरा का कार्य क्या होता है? सीरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त वृक्क में प्रवेश करता है। तो इसी वृक्क सीरा के माध्यम से वृक्क में प्रवेश करता है और यह है वृक्क धमनी। वृक्क के माध्यम से शुद्ध किए गए रक्त इसी वृक्क धमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचती है। वृक्क में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। वृक्क के माध्यम से शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को रक्त से अलग करके उसे मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर किया जाता है। चलिए इसकी क्रियाविधि देख लेते हैं। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त जिसमें अमोनिया और यूरिया उपस्थित होते हैं वह वृक्क सीरा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। उसके पश्चात वह वृक्क में शुद्धिकरण की प्रक्रिया में यूरिया और यूरिक अम्ल को रुधिर से अलग कर दिया जाता है और शुद्ध रुधिर को वृक्क धमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। उसके पश्चात पृथक किए गए यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया को मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में भेज दिया जाता है और मूत्राशय में एकत्रित होने के पश्चात वह मूत्रमार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। वृक्क हमारे शरीर का एक प्रमुख उत्सर्जन अंग है जिसके माध्यम से शरीर के विभिन्न अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर किया जाता है। इसे इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। यह सेम के बीच के आकार का होता है और यह मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। आप देख सकते हैं इसकी आकृति सेम के आकार के जैसी है। दूसरा पॉइंट है वृक्क में एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो वह वृक्क में स्थित होती है। यह किस प्रकार की ग्रंथि है? तो यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और इस ग्रंथि के माध्यम से किस हार्मोन्स का स्रावण होता है? तो इस ग्रंथि के माध्यम से एड्रिनेलिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। एड्रिनेलिन हार्मोन्स को लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। इस हार्मोन्स के माध्यम से किसी व्यक्ति के क्रोध, घबराहट आदि का नियंत्रण होता है। तो हमें यह याद रखना है कि एड्रिनेलिन हार्मोन्स जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है यह अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित की जाती है और यह वृक्क में पाया जाता है। वृक्क के अवतल किनारा को हाइलम कहते हैं। आप देख सकते हैं ये जो अवतल किनारा होता है जिसमें धमनी और सीरा आकर जुड़ती है तो इस वित्त किनारे को कहा जाता है हाइलम और इसे वृक्कीय नाभिका अर्थात रेनल हाइलम कहा जाता है। इसे हमें याद रखना है। अगला पॉइंट हम देख चुके हैं मूत्र जो है मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में एकत्रित होता है। उसके पश्चात वह मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि अत्यंत जटिल होती है। यह तीन चरणों में होती है। पहली प्रक्रिया होती है छनन,
दूसरी प्रक्रिया होती है पुनः अवशोषण और तीसरी प्रक्रिया होती है नालिकीय स्त्रवण। तो सबसे पहले हम छनन के बारे में पढ़ते हैं। छनन की क्रिया नेफ्रॉन के बोमन संपुट में होती है। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन जो है वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। हमारे शरीर में जिस प्रकार कोशिका सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, अर्थात हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, वैसे ही वृक्क की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। इसे हमें याद रखना है। और इसी नेफ्रॉन में बोमन संपुट पाया जाता है। हमें इन दोनों चीज़ों को याद रखना है कि वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो वह है नेफ्रॉन। और बोमन संपुट कहाँ पाया जाता है? तो नेफ्रॉन में बोमन संपुट पाया जाता है। मानव शरीर के विभिन्न भागों से आने वाली रक्त धमनी के माध्यम से जब वृक्क में प्रवेश करती है तो अभिवाही और अपवाही धमनियों के द्वारा कोशिका गुच्छ का निर्माण करती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। आप देख सकते हैं, ये है धमनी, और जब यह वृक्क में प्रवेश करती है तो वह बहुत सारे गुच्छ का निर्माण करती है, जिसे कोशिका गुच्छ कहा जाता है और उसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि वृक्क में कोशिका गुच्छ होता है जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसे हमें याद रखना है। इसी अपवाही और अपवाही धमनियों को मिलाकर कोशिका गुच्छ का निर्माण होता है और छनन की क्रिया इसी के माध्यम से होती है। छनन की क्रिया के माध्यम से रुधिर में उपस्थित यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, लवण और अन्य उत्सर्जी पदार्थ छन जाते हैं। उसके पश्चात छना हुआ पदार्थ दूसरे चरण पुनः अवशोषण, उसके पश्चात नलिकीय स्त्रवण में जाता है। परीक्षा में एक अन्य प्रश्न पूछा जाता है कि हेनले लूप का संबंध किससे है। इसमें चार ऑप्शन दिया गया होता है, यकृत, वृक्क, फेफड़ा और हृदय। तो उसका सही आंसर होगा वृक्क। हेनले लूप का संबंध वृक्क से होता है। वृक्क को डायलिसिस का थैला कहा जाता है। डायलिसिस का मतलब होता है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। तो वृक्क के माध्यम से हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है, इसलिए वृक्क को डायलिसिस का थैला कहा जाता है। दोनों वृक्कों के खराब हो जाने की स्थिति में मनुष्य को कृत्रिम डायलिसिस की जाती है, जिसे डायलिसिस कहा जाता है। आपने सुना होगा, वह कृत्रिम रूप से रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। अब हम दूसरे चरण को देख लेते हैं, पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण की प्रक्रिया में छनन के बाद मूत्र मूत्रवाहिनी में आ जाती है। ये जो है मूत्रवाहिनी है, वहाँ पर मूत्र छनन की प्रक्रिया के पश्चात मूत्रवाहिनी में आ जाती है। और मूत्रवाहिनी में कुछ वर्ज्य पदार्थ होते हैं, जिसमें कुछ उपयोगी पदार्थ होते हैं। जैसे हमने देखा यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, लवण, जल, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। परंतु इसमें से ग्लूकोज, लवण और जल, ये सभी शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, जिसे पुनः अवशोषण के माध्यम से शरीर में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसका अवशोषण जो है वृक्क नलिका के माध्यम से होता है। पुनः अवशोषण की प्रक्रिया वृक्क नलिका के माध्यम से होती है और उसमें उपस्थित उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, लवण, जल को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। तो हमें इसे याद रखना है कि पुनः अवशोषण की प्रक्रिया वृक्क नलिका के माध्यम से होती है। ये है वृक्क नलिका, जिसके माध्यम से पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होती है। अगला चरण है नालिकीय स्त्रवण। नलिकीय स्त्रवण जो है वृक्क नलिका की दीवार में स्थित कोशिकाओं के माध्यम से होती है। छनन की प्रक्रिया हमने देखा, उसके पश्चात पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण की प्रक्रिया वृक्क नलिका के माध्यम से होती है, जबकि नलिकीय स्त्रवण नलिका की दीवारों पर स्थित कोशिकाओं के माध्यम से होती है। कोशिका के द्वारा यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया, इन तीनों को अवशोषित कर लिया जाता है। उसके पश्चात कोशिका द्वारा विसरण की प्रक्रिया से मूत्राशय में मूत्र पहुँच जाता है। यहाँ पर स्थित दीवार पर स्थित कोशिकाएँ यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया को अवशोषित कर लेती है। उसके पश्चात वह मूत्र के रूप में मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है और जिसे मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। हमें इन तीनों चरणों को याद रखना है। हम इस वीडियो में SCA परीक्षा के साथ साथ CGPSE मुख्य परीक्षा का भी कवर कर रहे हैं, तो हमें इस प्रक्रिया को याद रखना है। परीक्षा में यह पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को लिखिए, तो हमें इस प्रक्रिया को लिखना है। पहले छनन होता है, उसके पश्चात पुनः अवशोषण, उसके पश्चात होता है नालिकीय स्त्रवण। अगला है वृक्क की उत्सर्जन इकाई। वृक्क की उत्सर्जन इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, जिसके माध्यम से उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है और उत्सर्जन की क्रिया पूर्ण होती है। अब हम वृक्क के कार्य देख लेते हैं। वृक्क के कार्य क्या होते हैं? तो हमने अभी देखा कि वृक्क का कार्य अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है और इसके साथ ही यह परासरण नियमन का कार्य भी करता है। परासरण नियमन की प्रक्रिया क्या होती है? तो चलिए देखते हैं वृक्क द्वारा परासरण नियंत्रण।
तो वृक्क के द्वारा परासरण नियंत्रण किया जाता है। तो परासरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं? हमारे शरीर में रुधिर में जल की मात्रा उपस्थित होती है, तो इस जल की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य वृक्क के माध्यम से होता है। हमारे शरीर में जल जो है रुधिर प्लाज्मा के रूप में उपस्थित होती है, और रुधिर में जल की मात्रा का नियंत्रण वृक्क के माध्यम से होता है। जब रुधिर में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह एंटी डाइयूरेसिल हार्मोन्स का स्त्रवण करता है, जिसके द्वारा जल की मात्रा संतुलित हो जाती है। इसे हमें याद रखना है कि वृक्क के द्वारा डाइयूरेसिल हार्मोन्स का स्त्रवण किया जाता है, जो कि जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। जल की मात्रा अधिक है या कम है, इसका निर्धारण हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि के माध्यम से किया जाता है। इसे हमें याद रखना है कि रक्त में उपस्थित जल की मात्रा का निर्धारण हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि के माध्यम से होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के माध्यम से ताप का नियंत्रण भी होता है। वृक्क की क्रियाविधि, संरचना और कार्य के बाद हम उसके सहायक उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ते हैं। अगला सहायक उत्सर्जी अंग है त्वचा। त्वचा में दो ग्रंथि पाई जाती है। पहली ग्रंथि होती है श्वेत ग्रंथि और दूसरी ग्रंथि होती है तैली ग्रंथि। यह त्वचा की ऊपरी सतह पर पाया जाता है, और श्वेत ग्रंथि का कार्य होता है जल और लवण को शरीर से बाहर निकालना, जिसे पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है, और इसके माध्यम से ताप नियंत्रण का कार्य भी किया जाता है। इसे हमें याद रखना है कि त्वचा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। तो त्वचा में श्वेत ग्रंथि और तैली ग्रंथि पाई जाती है, जिसका कार्य शरीर में जल की मात्रा और लवण की मात्रा को नियंत्रण करना होता है, और यह ताप नियंत्रण का कार्य भी करता है। शरीर में अगर जल की मात्रा अधिक हो जाती है या लवण की मात्रा अधिक हो जाती है तो पसीने के रूप में त्वचा के द्वारा इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके पश्चात हम अगला उत्सर्जी तंत्र देख लेते हैं। अगला उत्सर्जी तंत्र है यकृत। यकृत प्रत्यक्ष रूप से उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, परंतु यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्सर्जी तंत्र होता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह है यकृत ग्रंथि। यकृत के माध्यम से हमारे शरीर में बने अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। हम जानते हैं कि यूरिया हमारे शरीर में सीधे तौर पर नहीं पाया जाता है, यह अमोनिया से यूरिया में संश्लेषित होता है। तो अमोनिया से यूरिया में संश्लेषित होने की प्रक्रिया यकृत के माध्यम से होती है। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में अमोनिया उपस्थित होता है, यूरिया उपस्थित नहीं होता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य यकृत करता है। फिर यह यूरिया वृक्क में जाता है, वृक्क के माध्यम से इसे अवशोषित कर लिया जाता है, और उसे मूत्राशय में एकत्रित कर मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यकृत एक प्रमुख उत्सर्जी सहायक अंग है। तो आप समझ गए होंगे कि यकृत हमारे शरीर में उत्सर्जन प्रक्रिया में कितना बड़ा योगदान करता है। यह अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि यकृत का प्रमुख कार्य क्या है, तो यह अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया NH3 होता है, जिसे यूरिया जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2 के रूप में यकृत के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ से अमोनिया बनता है, जिसे यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य यकृत के माध्यम से होता है। हमारे शरीर में ठोस वर्ज्य पदार्थ है, जिसका उत्सर्जन आंत के माध्यम से होता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, जिसके माध्यम से यह उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, यह पाचन क्रिया के अंतर्गत आता है। हमारे शरीर के गैसीय उत्सर्जन पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ों के माध्यम से किया जाता है। हमारे सिलेबस में वृक्क दिया गया है, अर्थात द्रवीय उत्सर्जन तंत्र दिया गया है, उसे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। हम अपने चैनल के माध्यम से CA परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का भी हम अलग अलग दिन में वीडियो डालते हैं। उसके पश्चात हम प्रौद्योगिकी और कृषि की भी ऐसे ही वीडियो डालेंगे। अब हम पौधों और विभिन्न प्रकार के जीवों में उपस्थित उत्सर्जी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं। पौधों में सबसे पहला पॉइंट होता है उत्सर्जी तंत्र नहीं होता है। पौधों में उत्सर्जी अंग नहीं होता है, इसमें अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम होती है। इस अपशिष्ट पदार्थ को उत्को और कोशिका की रिक्ति में संचित हो जाता है। और ये अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में होते हैं? ये जो है रेनिन, लिग्निन और गोंद के रूप में होते हैं। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा पौधे का अपशिष्ट पदार्थ है। ऑप्शन दिया रहेगा गोंद, रेनिन, लिग्निन। ऐसे अगर ऑप्शन दिया है तो आपको पहचानना है कि रेनिन, लिग्निन और गोंद ये सभी पौधों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसका जमाव जाइलम में होता है। इसे हमें याद रखना है कि पौधों में उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम होती है, और ये अपशिष्ट पदार्थ ऊतक और कोशिका रिक्ति में संचित होती है,
और यह किस रूप में होती है? यह रेनिन, लिग्निन और गोंद के रूप में होती है। अगला है एक कोश के जीव जैसे अमीबा, पैरामिशियम, ये सभी में उत्सर्जन विसरण के माध्यम से होता है। हमें इसे याद रखना है कि अमीबा, स्पंज और हाइड्रा, इसमें जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है विसरण द्वारा होती है। परीक्षा में पूछा जाता है कि अमीबा में उत्सर्जन की प्रक्रिया किस माध्यम से होती है। इसमें चार ऑप्शन दिया रहेगा, ज्वाला कोशिका, नेफ्रिडिया, विसरण और मैल्पिगियन नलिका। तो हमें सही आंसर लगाना है विसरण प्रक्रिया के द्वारा एक कोश के जीव अमीबा में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। अगला जीव है चपटे कृमि, जिसका उत्सर्जन अंग का नाम है ज्वाला कोशिका। इसे हमें याद रखना है कि चपटा कृमि में ज्वाला कोशिका के माध्यम से उत्सर्जन होता है। अगला है केचुआ, जिसमें उत्सर्जन अंग का नाम है नेफ्रिडिया। उसके पश्चात है झींगा, जिसमें उत्सर्जन तंत्र का नाम है हरि ग्रंथि। इसे हमें याद रखना है कि केचुआ में उत्सर्जन अंग जो है नेफ्रिडिया है, जबकि झींगा में उत्सर्जन की प्रक्रिया हरि ग्रंथि के माध्यम से होती है। अगला है कीट, कीट में मैल्पिगियन नलिका के माध्यम से उत्सर्जन होता है। और स्तनधारी वर्ग, जिसमें वृक्क के माध्यम से उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत मनुष्य और विभिन्न जीव जंतु आते हैं, जिसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया वृक्क अर्थात किडनी के माध्यम से होती है। अब हम उत्सर्जन में निकलने वाले उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण देख लेते हैं। सबसे पहले है अमीनोटेलिक, दूसरा है यूरियोटेलिक, तीसरा है यूरोकोटेलिक और चौथा है एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अमीनोटेलिक। हमने अभी पढ़ा कि हमारे शरीर में अमोनिया उपस्थित होता है और अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। यह जंतु का एक प्रकार होता है। इसके अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? तो ऐसे जीव आते हैं जो कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में करते हैं। हमने अभी पढ़ा कि मानव शरीर में अमोनिया को जो यूरिया में परिवर्तित किया जाता है तो उसे यूरियोटेरिक कहा जाता है। मनुष्य और मेंढक यूरियोटेरिक के अंतर्गत आते हैं, जो कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जिसे अमोनिया कहते हैं अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है तो उसे यूरियोटेरिक कहा जाता है। जबकि ऐसे जीव जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और उसे शरीर से बाहर निकालते हैं तो उसे कहा जाता है यूरिकोटेरिक। इसके अंतर्गत छिपकली और पक्षी आते हैं। यूरिकोटेरिक के अंतर्गत छिपकली और पक्षी आते हैं, जबकि यूरियोटेरिक के अंतर्गत मनुष्य और मेंढक आते हैं। अमीनोटेरिक में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। इसके अंतर्गत समुद्री मछली और ऑक्टोपस आते हैं। ऑक्टोपस के द्वारा नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अमोनिया के रूप में परिवर्तित कर शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके नामकरण का आधार देख लेते हैं। अमीनो, अमीनो अमोनिया से बना है, इस कारण इसे अमीनोटेरिक कहा जाता है। जबकि यूरियोटेरिक यूरिया से बना है, अर्थात वैसे जीव जो अपने उत्सर्जी पदार्थ का यूरिया के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं उसे यूरियोटेरिक कहा जाता है। और यूरिकोटेरिक जो कि अपने नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ को यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं तो उसे यूरिकोटेरिक कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले जीवों को हमें याद रखना है। यूरिकोटेरिक के अंतर्गत छिपकली और पक्षी आते हैं, जबकि यूरियोटेरिक के अंतर्गत मनुष्य और मेंढक आते हैं। अमीनोटेरिक के अंतर्गत समुद्री मछली और ऑक्टोपस आते हैं। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि छिपकली को उत्सर्जन के आधार पर किस वर्ग में रखा गया है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए रहेंगे, अमीनोटेरिक, यूरियोटेरिक और यूरिकोटेरिक। तो हमें याद रखना है कि छिपकली जो है यूरिकोटेरिक के अंतर्गत आता है। अगला हम देख लेते हैं एक कोश के जीव। एक कोश के जीव जैसे अमीबा, पैरामिशियम में केवल एक ही कोशिका होती है। एक कोशिका होने के कारण इसकी संपूर्ण प्रक्रिया केवल एक कोशिका के माध्यम से होती है और इस कोशिका में उत्सर्जी पदार्थ के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। इसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है विसरण क्रिया के द्वारा होती है। विसरण प्रक्रिया के माध्यम से एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामिशियम में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। अब हम परासरण प्रक्रिया के अंतर्गत वेसोप्रोसिन हार्मोन्स का महत्व देख लेते हैं। वेसोप्रोसिन हार्मोन्स क्या होता है? परासरण नियंत्रण, हमने पढ़ा कि मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण परासरण नियंत्रण कहलाता है। तो यह किस हार्मोन्स के माध्यम से होता है? यह वेसोप्रोसिन हार्मोन्स और एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन्स के माध्यम से होता है। इसे हमें याद रखना है कि मनुष्य में परासरण नियंत्रण की प्रक्रिया किस हार्मोन्स के माध्यम से होती है? तो वह प्रेसिन हार्मोन्स और एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स के माध्यम से होती है। वेसोप्रोसिन हार्मोन्स की अधिकता और कमी के आधार पर परासरण की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। कमी से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है और जिसे डाईयूरेसिल कहते हैं। इसे हमें याद रखना है कि वेसोप्रोसिन हार्मोन्स की कमी से
जब मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे डाययूरेसिल कहा जाता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि डाययूरेसिल की प्रक्रिया क्या है। मूत्र की मात्रा का बढ़ जाना, मूत्र की मात्रा का घट जाना, इसमें से कोई नहीं। तो हमें याद रखना है कि जब मनुष्य में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है तो इस प्रक्रिया को डाययूरेसिल कहा जाता है। एक और प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि जो उत्सर्जी द्रव होते हैं उसे प्रथम बार मूत्र कब कहा जाता है। तो जब यह संग्राहक नलिका में जाती है और वहाँ एकत्रित द्रव को पहली बार मूत्र कहा जाता है। उससे पहले उसे मूत्र नहीं कहा जाता, उसके पश्चात उसे मूत्र कहा जाता है। डायलिसिस छानने की एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से वृक्क हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को छानकर शरीर से अलग करता है, तो इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। और यह डायलिसिस की प्रक्रिया ग्लोमेरुलस में होती है, इसे हमें याद रखना है। मनुष्य के वृक्क में पाया जाता है ग्लोमेरुलस जिसके माध्यम से डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। यह एक विशेष प्रकार की छानने की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से रक्त को शुद्ध किया जाता है। अब हम वृक्क संबंधी रोग देख लेते हैं। वृक्क संबंधी कौन कौन से रोग हैं, तो पहला रोग है पथरी जिसे वृक्क अस्मरी भी कहा जाता है। इसे हमें याद रखना है, पथरी को वृक्क अस्मरी कहा जाता है। और यह किस कारण होता है, तो यह हमारे शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट जो कि एक पत्थर का निर्माण कर लेती है और इसी पत्थर के कारण मूत्र मार्ग बाधित हो जाता है और इससे पीड़ा भी होती है। इसे हमें याद रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है कि पथरी निम्न में से क्या होता है, तो इसे हमें याद रखना है कि कैल्शियम ऑक्सलेट को पथरी कहा जाता है। और इसके उपचार के लिए ध्वनि तरंगों के माध्यम से इसका उपचार किया जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से इसका ऑपरेशन किया जाता है और इस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है जिसके पश्चात इसे मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अगला रोग है वृक्क क्षय। क्षय का अर्थ होता है गलना, तो वृक्क का गलना को वृक्क क्षय कहा जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लेते हैं। गुर्दा जिसे वृक्क कहा जाता है, किडनी की कार्यप्रणाली के अध्ययन की प्रक्रिया। इसे हमें याद रखना है कि गुर्दे की कार्यप्रणाली के अध्ययन को वृक्कीय शरीर विज्ञान कहा जाता है, जबकि गुर्दे की बीमारी से संबंधित चिकित्सीय को मेघ विज्ञान या फिर नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि गुर्दे की बीमारी के लिए जो चिकित्सीय विधि होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसके चिकित्सा को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। हिंदी में इसे मेघ विज्ञान कहा जाता है। और ये हमारे वीडियो का अंतिम पॉइंट है, गुर्दे का कार्य। गुर्दे का कार्य क्या होता है, तो गुर्दे का कार्य जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है। कोशिकीय गुच्छ के माध्यम से रक्त का शुद्धिकरण होता है। दूसरा कार्य होता है रक्तचाप का नियंत्रण। वृक्क के माध्यम से हार्मोन्स का स्त्रवण होता है, तो कौन कौन से हार्मोन्स का स्त्रवण होता है, एरिथ्रोप्रिट्रिन, कैल्सिट्रियोल और रेनिन। इन तीनों हार्मोन्स का स्त्रवण वृक्क के माध्यम से होता है जो कि शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्यों का संचालन करती है। इसे हमें याद रखना है कि गुर्दे के माध्यम से हार्मोन्स का स्त्रवण होता है, एरिथ्रोप्रिट्रिन, कैल्सिट्रियोल और रेनिन नामक हार्मोन्स का स्त्रवण गुर्दे के माध्यम से होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ACF की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ACF की तैयारी कर रहे हों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।